हेलो स्टूडेंट दिस इज प्राची वेलकम टू अवर चैनल अब से हम करने वाले हैं मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज नंबर हंड्रेड पे इंटेक्सट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टार्ट करेंगे अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड टेन मीटर इन फोर्टी सेकेंड तो सबसे पहले यहाँ तक इसका फिगर ड्रॉ करते हैं एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड में ये एक बना ली मैंने स्क्वायर फील्ड जिसकी जो साइड है टेन मीटर है यानी कि इफ इट इज ए बी सी डी तो हर जो साइड है वो क्या है टेन मीटर तो वो क्या कर रहा है फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड टेन मीटर इन फोर्टी सेकेंड्स यानी कि पूरी बाउंड्री जो है वो अगर ए से स्टार्ट करता है बी पर जाता है सी डी फिर ए पर आता है तो वो कितने सेकेंड्स में कवर करता है वो फोर्टी सेकेंड्स में कवर करता है यानी कि वन राउंड इन फोर्टी सेकेंड्स तो वट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ टू मिनट्स एंड ट्वेंटी सेकेंड्स तो आपको बताना है डिसप्लेसमेंट कितनी होगी फार्मर की एट द एंड ऑफ टू मिनट्स एंड ट्वेंटी सेकेंड्स तो यहाँ पर तो सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट बोला गया है मैं यहाँ पर आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल के दिखाऊंगी और दोनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है कि हम टू मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड्स को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड्स में बिकॉज हमें फोर्टी सेकेंड्स की बजाय सेकेंड्स में ही आपको बात करेंगे हम तो टाइम क्या है आपके पास टू मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड्स कैसे कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में इसको टू और वन मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं सिक्सटी अब यहां पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं ट्वेंटी से बट नहीं ऑलरेडी ये सेकेंड्स में है तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको सिर्फ ऐड करना है यानी कि जो मिनट में है उसको तो आप मल्टीप्लाई करोगे बट जो सेकेंड्स में उसको सिर्फ आप ऐड करोगे तो ये हो गया वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी तो टोटल तो टाइम हो गया आप लोगों का वन फोर्टी सेकेंड्स ओके तो अभी वन फोर्टी सेकेंड्स जो हैं अगर मैं इसको 40 फोर्टी सेकेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि जो वन राउंड है फार्मर ने वो 40 सेकेंड्स में लगाया तो यहाँ पर मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 40 सेकेंड्स को तो 140 को ये हो गया पहला 40 सेकेंड्स 140 में से 40 गए कितने बज के हंड्रेड अब हंड्रेड में से मैंने दोबारा से फोर्टी सेकेंड्स को निकाल दिया तो हंड्रेड में से फोर्टी गए कितने रह गए सिक्सटी अब सिक्सटी में से फिर से फोर्टी गए कितने रह गए ट्वेंटी तो ये हो गया ट्वेंटी यानी कि मैंने क्या किया वन फोर्टी सेकेंड्स को फोर्टी 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 में कर लिया और जितने बच गए वो मैंने लग से लिख लिया क्यों ऐसा क्यों किया क्योंकि मुझे पता है कि उसने वन रेवोल्यूशन कितने में लिया है वन राउंड कितने में लिया उसने फोर्टी सेकेंड्स में लिया तो मुझे निकाली है डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट में जाने से पहले मैं डिस्टेंस निकालती हूँ इसका वैसे यहां पर पूछा नहीं गया आप लोगों से डिस्टेंस बट केस अगर आप लोगों से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिस्टेंस क्या होगा तो वो भी हम निकालेंगे तो स्टार्ट करते हैं जब ए से स्टार्ट किया उसने फोर्टी सेकेंड्स में कंप्लीट राउंड लिया तो टेन मीटर टेन मीटर टेन मीटर प्लस टेन मीटर कितना हो गया फोर्टी मीटर फोर्टी मीटर प्लस वाई प्लस क्योंकि हम टाइम के साथ हम राउंड काउंट कर रहे हैं नेक्स्ट फोर्टी में भी उसने कंप्लीट राउंड लिया तो वो भी हो गया फोर्टी मीटर नेक्स्ट फोर्टी सेकेंड्स में भी उसने कंप्लीट राउंड लिया दैट इज फोर्टी मीटर नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड में तो वो हाफ ही पहुंचा होगा फोर्टी में अगर कंप्लीट पहुंचा है तो ट्वेंटी में यहां से लेकर कहाँ पहुंचा होगा यहां पर पहुंचा होगा तो ये हो गया ट्वेंटी मीटर तो ये टोटल कितने हो गए आप लोगों के पास फोर्टी 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 एंड ट्वेंटी इनकी कि वन फोर्टी मीटर आप लोगों का आ गया डिस्टेंस फाइन अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट में फर्स्ट फोर्टी सेकेंड्स में मैं यहाँ पे टाइम ही चल रहा है तो मैं इसके नीचे ही लिखती रहूंगी तो अब फर्स्ट फोर्टी सेकेंड्स में वो यहां से शुरू हुआ कंप्लीट राउंड लिया और यहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो वाई जीरो यू नो वेरी वेल कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ऑब्जेक्ट का सेम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं वहां पर क्या होती है डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो नेक्स्ट फोर्टी सेकेंड्स में भी यहीं से शुरू करा और यहीं पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो नेक्स्ट फोर्टी सेकेंड्स में भी कंप्लीट यहीं पर ही ज़ीरो अब नेक्स्ट ट्वेंटी सेकेंड्स में क्या हो रहा है यहाँ से लेकर कहाँ जा रहा है यहाँ जा रहा है तो अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है ट्वेंटी रॉन्ग वाई रोंग बिकॉज हमने बात करी यहाँ इसका इनिशियल हुआ और यहाँ इसका फाइनल हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ये तो इसका लॉन्गेस्ट पाथ हुआ जो होता है डिस्टेंस बट ये हो गया इसका शॉर्टेस्ट पाथ जो होती है डिस्प्लेसमेंट तो दैट मीन्स ट्वेंटी सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट हुई ए सी ए टू सी अब ए टू सी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे हमें पता है कि ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है तो ये होगा 90 डिग्री अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाएंगे हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी तो ए बी सी में ये 90 डिग्री है 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है हाई होती है ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस तो फॉर्मूला क्या होता है पाथागोरस थ्योरम का इज इक्वल टू स्क्र प्लस बेस स्क्वायर तो हाइपन्यूज कितनी है आपके पास ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर इज टेन का स्क्वायर प्लस बेस इज ऑल्सो टेन का स्क्वायर तो टेन का स्क्वायर कितना होगा हंड्रेड यहाँ पर भी हंड्रेड ये कितना हो गया आप लोगों के पास टू हंड्रेड तो ए सी स्क्वायर आ चुका है टू हंड्रेड लेकिन हमें फाइंड करना है ए सी तो स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट रूट कैसे निकालते हैं टू हंड्रेड के हम क्या बना लेते हैं फैक्टर्स बनाते हैं ये आ जाएगा आपके पास कितना हंड्रेड हंड्रेड के बाद टेन है फिर से टेन है टेन तो हम कैसे निकालेंगे इसके जब हम रूट्स में निकालते हैं तो इसके क्या बन गया पेयर बन गया और ये एक रह गया तो जब ऐसा होता है ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास टेन रूट टू मीटर कैसे आई है टेन रूट टू हंड्रेड हंड्रेड के जो पेयर बने हैं वो टेन टेन बना है तो ये दो बन गए टेन तो ये आ गया रूट से बाहर एक टेन तो अंदर क्या बच गया टू के तो कोई वो पेयर नहीं बने तो वो रह गए रूट के अंदर एक रह गया ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है ये कैसे निकालते हैं रूट्स रूट्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर्स बनाते हैं फैक्टर्स के जो पेयर बन जाते हैं वो रूट से बाहर जिनके पेयर नहीं बनते हैं वो रूट के अंदर तो ए सी की वैल्यू आ गई टेन रूट टू मीटर तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की सेकेंड क्वेश्चन है पेज नंबर वन हंड्रेड टू पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन फाइव मिनट्स तो आप लोगों को सबसे पहले अंडरलाइन कर लो क्या दिया हुआ है मिनट्स यानी कि एक स्पेस शिप से एक सिग्नल जाता है ग्राउंड पे कितने फाइव मिनट में? में तो टाइम है आपके पास फाइव मिनट वॉज डिस्टेंस निकालना है spaceship का ग्राउंड स्टेशन से अब सिग्नल की जो स्पीड आपको दी हुई है द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज दिस वन तो सिग्नल की स्पीड आपको दी हुई है कितनी थ्री इंटू टेन रेस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड नाइन्थ तक आते हुए बच्चों को पता नहीं होता कि इस चीज को क्या बोलते हैं इस चीज को हम बोलते हैं टेन रेस टू पावर एट तो अब आपको क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए आपको स्पीड दी हुई है आपको टाइम दिया हुआ है याद से यहां पर एक चीज देखो यहां पर स्पीड है मीटर पर सेकेंड में और टाइम है मिनट्स में तो हम क्या करने वाले हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में कैसे वन मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं सिक्सटी यहाँ फाइव मिनट है तो ये हो जाएगा थ्री हंड्रेड सेकेंड्स तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाने वाले हैं किसका स्पीड इज इक्वल्स टू सिंपल डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड का क्या दिया हुआ है थ्री इंटू टेन डिस्ट टू पार एट डिस्टेंस आपको निकालना है टाइम आपको दिया हुआ है थ्री हंड्रेड तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड इंटू थ्री इंटू टेन डिस्ट टू पार एट तो अब यहाँ पर देखेंगे थ्री इंटू थ्री हंड्रेड इज नाइन हंड्रेड इंटू टेन डेस्ट टू पार एट टेन डेस्ट टू पार एट का क्या मतलब है कि वन के साथ एट जीरोज लगी हुई हैं अब यहाँ पर क्या है टू जीरोज और है तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ नाइन इंटू टेन डेस्ट टू पार टेन और ऐसा यूनिट क्या लगाऊंगी मैं मीटर वाई मीटर क्योंकि जो मेरी स्पीड थी वो मीटर पर सेकेंड में थी टाइम जो था वो मेरा सेकेंड में था तो जो डिस्टेंस है वो मीटर में आएगा तो अब यहां पर एक बार दोबारा देखो ये थी टेन रेज टू पार एट यानी कि वन के साथ एट जीरो लगी हुई हैं बट यहां पर दो जीरो और थी तो मैंने क्या लगा दिया नाइन को एज इट इज रख दिया और टेन की पावर क्या कर दी टेन यानी कि वन के साथ कितनी जीरो लगी हुई हैं अब टेन जीरो लगी हुई ये होगा आप लोगों का आंसर तो अब हम करते हैं इसका थर्ड थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर वन जीरो थ्री पर टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो बात करेंगे अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम एट्टी किलोमीटर पर आवर टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर इन फाइव सेकेंड्स आपको एसलेशन निकालनी है तो एक बस है जो पहले इतनी स्पीड से चल रही थी इतनी स्पीड से चल रही थी दैट मीन्स उसकी इनिशियल विलॉसिटी थी ये और कुछ टाइम के बाद कितने टाइम के बाद फाइव सेकेंड्स के बाद यानी कि हो गया उसका टाइम उसकी विलॉसिटी कितनी होगी इतनी होगी यानी कि ये होगी उसकी फाइनल तो हमें करने से पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले लिख लेते हैं टाइम है. तो है आपके पास फाइव सेकेंड आपको क्या निकालना है एसिलेशन सिंपल सी बात है एसिलेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है चेंज इनॉस डिवाइड बाई टाइम दैट इज बी माइनस यू डिवाइड बाई टी फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम तो ये होता है आप लोगों का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अब ध्यान से देखेंगे कि जो टाइम है वो आपको सेकेंड्स में दिया हुआ है अगर टाइम सेकेंड्स में दिया हुआ है वो भी फाइव सेकेंड है फाइव सेकेंड्स को आर में कन्वर्ट करना कितना डिफिकल्ट है बजाय कि मैं क्या करूं किलोमीटर पर आर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड्स में हम ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि सबकी ऐसे यूनिट सेम होना बहुत जरूरी होता है नहीं तो इसका आंसर सही नहीं होता है. तो 80 किलोमीटर पर आर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं 80 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी समझाया हुआ है कैसे करते हैं एटी एज इट इज किलोमीटर को कन्वर्ट करना है आपने मीटर्स में तो क्या मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो वन किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं थाउजेंड्स डिवाइड का साइन डिवाइड का साइन तो वन आर में कितने सेकंड्स होते हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा अगर आप लोगों को यह मैथड बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये डीप है मैथड और आप लोगों को प्रॉपर कंसेप्ट समझाया गया है मैंने इसको कि कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड किया है बट केस अगर आप लोगों को यह समझ में नहीं आता तो शॉर्टकट मैथड क्या है शॉर्टकट है कि आपको जो मल जो भी चीज़ कन्वर्ट करनी है किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में आप उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो फाइव बाई एटीन से आपको स्कूल्स में भी कई बार यही समझाया जाता है कि फाइव बाई एटीन से हम क्या कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्यों करते हैं वो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ अगर एटी को एज इट इज रखू मैं इसको कैंसिल करूंगी जीरो से ज़ीरो कैंसिल टू फाइव सा टेन एंड टू वन जो टू एंड टू एट सा सिक्सटीन तो यहाँ पर भी क्या है फाइव बाई एटीन आया थाउजेंड को थर्टी सिक्स हंड्रेड से डिवाइड करने पे तो वहां पर टीचर्स आपके डायरेक्ट क्या करवाती हैं फाइव बाईटीन से मल्टीप्लाई करा देती है वो भी ठीक है अगर आपको ये समझ में आता है तो ये भी ठीक है क्यों फाइव बाईटीन से क्यों करते हैं वो मेन रीजन आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया आप लोगों का टू हंड्रेड डिवाइड बाई नाइन मीटर पर सेकेंड ऐसे ही मैं सिक्सटी को भी कन्वर्ट कर लूंगी मीटर पर सेकेंड्स में ये आ गया है फिफ्टी डिवाइड बाय थ्री मीटर पर सेकेंड तो मैं अब ये यू आ गया v आ गया मीटर पर सेकेंड्स में टाइम है मेरे पास सेकेंड्स में तो मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देती हूँ फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री वी माइनस यू कितना है टू हंड्रेड डिवाइड बाई नाइन डिवाइड बाई थ्री तो अब ऊपर वाले को हम एल्शियम ले लेते हैं ऊपर वाले कैल्शियम क्या आएगा नाइन आएगा और नीचे एज इट इज ये थ्री चलता जा रहा है अब मैंने ऊपर वाले का एल्सियम ले लिया नाइन अब थ्री को नाइन से मैं क्या करूंगी डिवाइड क्या आएगा थ्री थ्री को मैं फिफ्टी से क्या करूंगी मल्टीप्लाई वो हो गया आपका वन फिफ्टी माइनस नाइन को नाइन से डिवाइड वन वन को मल्टीप्लाई टू हंड्रेड तो वन फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड इज माइनस फिफ्टी डिवाइड बाई नाइन एंड डिवाइड बाई थ्री अब ये जो चीज होती है बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहती है कि क्या करना है इसका आप लोगों को पता है अगर ये चीज आप लोगों की डिविजन में है तो मैं थ्री को ऐसे लिख सकती हूँ थ्री बाय वन ये जब चीज आती है आप इसको रेसीप्रोकल कर सकते हो जब रेसीप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई थ्री हो जाएगा तो ये आ गया आप लोगों के पास माइनस फिफ्टी बट यहां पर हाँ एक चीज गलत पुट कर दी है जो टाइम है वो फाइव सेकंड्स है मैंने यहाँ थ्री लिखा है तो टाइम हो गया आप लोगों का फाइव सेकंड्स तो फाइव डिवाइड बाई वन है तो ये हो जाएगा वन बाय फाइव अब यहां से क्या हो रहा है फाइव को इससे हम कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा टेन माइनस भी है तो माइनस का टेन डिवाइड बाय नाइन और हम इसको डिवाइड करके क्या लिखते क्या लिख सकते हैं माइनस वन पॉइंट वन वन मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड पता है जो एसोलेशन की ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है अगर आप यहाँ गलती से भी मीटर पर सेकेंड लिख देते हो वहां पर आप लोगों का हाफ मार्क्स कट हो जाएगा तो अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर वन हंड्रेड थ्री पर इंटेक्स क्वेश्चन नंबर थर्ड अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म अ स्पीड फोर्टी किलोमीटर पर आवर इन टेन मिनट्स तो फाइंड इट्स एसलरेशन तो सिंपल सी बात है जो ट्रेन थी वो स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से तो रेलवे स्टेशन पर जब वो खड़ी हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं थी तो जब वो इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है तो वो हो गई आप लोगों की जीरो तो कुछ टाइम के बाद वो क्या करती है स्पीड अटेन कर लेती है फोर्टी किलोमीटर पर आवर यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि बोला तो स्पीड गया है हम इसको विलासिटी क्यों लिखते हैं सीधा विलासिटी लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग अगर कॉन्सेप्ट में जाओ तो आपको पता होना चाहिए स्पीड वेलोसिटी के इक्वल होती है कब इक्वल होती है जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो अब ये रेल ट्रेन है रेलवे स्टेशन है तो वो क्या कर रही है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है तो दैट मीन जो स्पीड है वो वेलोसिटी के इक्वल है स्ट्रेट लाइन पे तो यहाँ पर मैं इसको लिख रही हूँ फाइनल बिकॉज इनिशियल क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रही है। टाइम कितना लग रहा उसको? है उसको टेन मिनट्स क्या निकालनी है एसोलेशन एसोलेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है फिर से ये मिनट्स है ये किलोमीटर पर आ रहे हैं इसको मैं कन्वर्ट करूंगी सेकेंड्स में मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी इसको कन्वर्ट करेंगे किस में मीटर पर सेकेंड्स में कैसे इस तरह से ये हो गया हंड्रेड बाई नाइन मीटर पर सेकेंड अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो v है आपके पास हंड्रेड बाई नाइन माइनस यू है जीरो टाइम है आपके पास सिक्स हंड्रेड तो ये जीरो है इसका कुछ मतलब नहीं है तो हंड्रेड डिवाइड बाई नाइन एज इट इज डिवाइड बाई सिक्स हंड्रेड अगेन जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वही वाला केस आ रहा है यहां पर भी हम क्या करेंगे इसको वन लिख सकते हैं डिवाइड बाई वन जब इसको डिवाइड बाई वन लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल होएगा तो क्या लिख सकते हैं वन बाई सिक्स हंड्रेड तो इसको इससे कैंसिल कैंसल आएगा वन बाई नाइन इंटू सिक्स वो कितना हो जाएगा आपके पास फिफ्टी फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फिर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज एसोलेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है थैंक यू दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेक्स क्वेश्चन आगे करेंगे